अभी वो अंधेरे वाले महल में घूमते घूमते एक कलाकारी और हो गई, सिर लगा एक चौखट से, क्योंकि बड़ी छोटे छोटे दरवाजे हैं, पता नहीं उनका क्या क्यों इतने छोटे बनाए। वैसे तो बोलते हैं कि राजा बड़े लंबे होते। सूझ गया इधर से, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम का हो जाता है, छोटा सा कंचे जैसा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से। मैं आ गया हूँ ग्वालियर फोर्ट, और यहाँ पे फोर्ट में उरवई द्वार से घुसते ही पड़ती हैं ये मूर्तियाँ, जिनको मैं अलग से एक वीडियो में भी दिखा दूँगा। तो ये जैन तीर्थांकरों की मूर्तियाँ हैं, यहाँ गुफाएं भी हैं छोटी छोटी, बाकी ये मूर्तियाँ हैं। इनको 15वीं शताब्दी में, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इनका जो हिसाब लगाया या अंदाज़ा लगाया कि 15वीं शताब्दी में कोई तोमर शासक हुए थे, उनके समय पर इन्हें उकेरा गया या बनाया गया। हमारे इतिहास का, सांस्कृतिक इतिहास का और स्पिरिचुअल जो हमारा इतिहास है, उसके इतने बड़े बड़े प्रतीक यहाँ होना अपने आप में एक बड़ी अच्छी और बड़ी बात है। और हाँ, ये भी कि ये समय समय पर होते रहे, बाहरी जो लोग थे, चाहे वो मुग़ल हों या वो और कोई शासक हों, लुटेरे हों, उनके राज में टूटने से बच गए, क्योंकि उन्होंने जो किया वो लगभग हमारे हर एक मोन्यूमेंट को या सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा गया, खराब किया गया, खंडित किया गया। बट बहुत सी चीज़ें आज भी जो मौजूद हैं उनमें से ये एक हैं, और मुझे तो बड़ा गर्व होता है इन चीज़ों को देख के आके कि हाँ, ये हमारे ही पूर्वजों द्वारा बनाई गई दुनिया को और हमें कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ गुफाएं भी हैं, अगर उसमें अंदर जाने को मिला तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या है। बाकी ये देखिए आप तब तक मूर्तियाँ, मेरे पीछे जो है आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, इन मूर्तियों के साथ में बीच में बोर्ड भी लगे हैं, मतलब बोर्ड माने उन पर कुछ लिखा गया है उस पौराणिक भाषा में, वो शायद संस्कृत या उससे पुरानी कोई भाषा है, उस समय की भाषा रही होगी। तो इनके बारे में, जैन तीर्थंकरों के बारे में, कि इनका क्या कारण था इन्हें बनाने का, क्या संदेश देना चाहते थे, वो भी यहाँ पे अंकित है। मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ उस भाषा को, तो ट्रांसलेट तो नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ देखने लायक चीज़ ज़रूर है। और आगे बढ़ते हैं, अभी गुफाएँ यहाँ थी एक दो, पर मुझे लगता है कि वो शायद यहाँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर रखी हैं, तो उनके अंदर जाना संभव नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं मानसिंह फोर्ट चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या मिलेगा अपने को। यहाँ पे ये जो जैन तीर्थांकरों की मूर्तियाँ हैं, ये जो रास्ता जाता है फोर्ट में, इसके दोनों तरफ मौजूद हैं, और इन्हें देख के पता लगता है कि उस समय जैन धर्म का या उस संप्रदाय का कितना प्रभाव रहा होगा। ये संप्रदाय शब्द गलत हो जाएगा, वो एक विचारधारा हो सकती है, एक सोच हो सकती है, पर हाँ उसका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा, ताकि इतने बड़े स्तर पे जो ये चीज़ें बनाई गई। ग्वालियर फोर्ट में यह है मानसिंह महल, जो कि 1416 साल में, माने 15वीं ईस्वी में, राजा मानसिंह जो तोमर वंश के राजा थे उन्होंने बनवाया। और उसके बाद में जैसे ये मुग़लों के हाथ लगा तो उन्होंने इसे शाही जेल के रूप में उपयोग किया। शाही जेल माने मुग़लों में चलन रहा था अपने पिता को, भाई को और अपने परिवार वालों को राज्य लूट करके जेल भेजने का या नज़रबंद करने का, तो उसी काम के लिए इसका प्रयोग बाद में मुग़लों द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर गुफाओं जैसी संरचना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, या कहें कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए। चलते हैं अभी, लेकिन भीड़ बहुत है। यह है इसका ग्राउंड फ्लोर, या कहें कि बेसमेंट हॉल। ये किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा।
इसके अलावा अलग अलग कमरे हैं इस महल के अंदर। चलते हैं और नीचे, ये हमें कहाँ ले जाता है जी? अरे इधर भी है, इधर भी है, ये ही नहीं पता चल रहा कि भाई जाएं किधर। ये देखिए साहब, गए थे नीचे, और चलते हैं और नीचे क्या मिलेगा। घुमावदार सीढ़ियां हैं, क्या बात है। जैसे लग रहा है जैसे गुफाओं में आ गया। हाँ ये पूरा, अरे भूल भुलैया जैसा है, पता ही नहीं चलता जाना कहाँ है, कहाँ से आए थे, कहाँ वापस पहुँच गए। अरे फिर से हाँ वहीं पे वापस आ गए जहाँ से अभी गए थे। घूमना पड़ेगा भैया, बिना गाइड के तो ऐसा होता है, क्योंकि हम बचा रहे हैं पैसे जो गाइड को दिए जाते। आ गए भैया वापस घूम के नीचे ऊपर, अब नहीं जाना है नीचे। यहाँ इस किले पे आने के बाद पता चल रहा है कि ग्वालियर शहर कितना बड़ा है। ये किला अपने आप में कई किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और इसके बाद जो पूरा ग्वालियर शहर है इसके दोनों नहीं चारों तरफ किले के एनक्लोज्ड है। दुनिया बढ़ती जा रही है, देखो सब पीछे। बाकी एक ख़ास बात और है ग्वालियर फोर्ट की, कि जो लोग नहीं आए हैं या जो आना चाहते हैं उनके लिए, कि अगर इसको कंपेयर करें हम राजस्थान में जो ज़्यादातर किले हैं उनसे, तो साइज़ में ये बहुत बड़ा है। साइज़ माने जो टोटल एनक्लोजमेंट एरिया है या इसकी मेन बाउंड्री वॉल है, एक तो पूरी की पूरी बची हुई है जो कि बहुत कम किलों में है ऐसा है, और दूसरा इसके अंदर फिर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे किले कहें या महल कह सकते हैं, उन्हें महल हैं। ग्वालियर के बारे में एक ख़ास बात और है कि यहाँ जब मैं आया तो मैंने होटल ढूँढे, ज़्यादा होटल मुझे नहीं मिले। ऑनलाइन ढूँढने के बाद लगभग भी 25-30 प्रॉपर्टीज़ थी जो लिस्टेड थी, उनमें से एक को मैंने बुक किया, थोड़ा सस्ता था। वहाँ जाके पता चला कि साहब रूम नहीं है हमारे पास, नहीं हो पाएगा। तो एक कलाकारी थी उनकी, क्योंकि वो ओयो था। इसके बाद मैंने दूसरा एक होटल लिया, वो लगभग 500 रुपये पर डे में मुझे पड़ा है, ठीक है। हाँ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ये, इसका कारण ये है कि, या इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं जहाँ पे सिंगल टूरिस्ट आके रुक सकें, या बाहर से, मतलब देश के बाहर से या कंट्री के अंदर से भी, तो बड़ा लिमिटेड सा है। हाँ यहाँ लोग आते हैं वैसे महल देखने और एक किले देखने, तो शायद लगता है कि आसपास के, ये एमपी के आसपास की जगहों से होंगे या ग्वालियर के आसपास की जगहों से होंगे। मेरे जैसे बड़े लिमिटेड लोग हैं, मुझे अभी कोई मिला नहीं है, शक्ल से वैसे पता चल जाता है कि कौन कहाँ से आया है। अभी जिस बिल्डिंग में मैं घूम रहा हूँ ये है जहांगीर महल, जो कि वही सेम ग्वालियर फोर्ट के अंदर है। अच्छा मुग़लों की एक बड़ी ख़ास बात रही है कि उन्होंने कुछ बनाया या नहीं बनाया, परंतु इतिहास अपना ज़रूर बना दिया, मतलब कि हर जगह अपना नाम डाल दिया, चाहे वो उनके समय में बनी, उनसे पहले बनी, उन्होंने बनाई या बनी हुई मिली। एनीवे दिस इज़ हिस्ट्री, आज तो यही इतिहास है। दूसरा यहाँ का जो ये किला है ग्वालियर फोर्ट, अभी यहाँ आके पता चला, दिख रहा है कि ये मोन्यूमेंट से ज़्यादा प्रेमी युगलों के लिए घूमने की एक जगह है। जैसे होता है ना हर एक शहर में कोई पार्क होगा, कहीं पे कोई और पहाड़ी होगी, कोई विशेष जगह होगी, तो ऐसे ही ये उनके लिए एक स्थान है जहाँ वो सेपरेटली अपना टाइम व्यतीत करते हैं या घूमने के लिए भी आते हैं। सही है, होना चाहिए ऐसी भी जगह हर जगह। ये
यहाँ पे कुंड है, तालाब है। अच्छा, यहाँ के लगभग हर महल में या महल के परिसर में एक एक ऐसी बावड़ी या तालाब ज़रूर हैं ताकि बारिश का पानी सहेजा जा सके। पानी बड़ा कीमती था और यहाँ पहाड़ों पे, पहाड़ी के ऊपर ही है ये भी, ऊपर पानी पहुँचाना और अपने आप में एक बड़ा काम था, मुश्किल काम था। तो उसके लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएँ की थी उसी समय पर, कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो ये करते थे। अभी वो अंधेरे वाले महल में घूमते घूमते एक कलाकारी और हो गई, सिर लगा एक चौखट से, क्योंकि बड़ी छोटे छोटे दरवाजे हैं, पता नहीं उनका क्या क्यों इतने छोटे बनाए। वैसे तो बोलते हैं कि राजा बड़े लंबे होते थे, सूझ गया इधर से, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम का हो जाता है, छोटा सा कंचे जैसा, और हल्की सी जीप भी कट गई। बाकी अब ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी जगह जाओ अपनी वो हेड टॉर्च या बैटरी साथ लेके जानी है, ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। आपके लिए भी सलाह है कि इस जगह पे जब भी आप आएँ, स्पेशली इसमें ग्वालियर फोर्ट में, तो अपने साथ एक बैटरी ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि दिन हो या रात हो, उनके महल के अंदर रात ही होगी, तो आपको उजाले की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो चोट खा जाओगे, चोटिल हो जाओगे। मैं आया था अभी जयविलास पैलेस म्यूजियम ग्वालियर में जो है इसे देखने, तो यहाँ के पता चला कि पहला तो इधर टिकट 300 रुपये का है, दूसरा टिकट ले भी लो तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, कि फ़ोन से केवल फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो नहीं। तो दोनों ही फिर मुझे व्यर्थ लगे, इसलिए अब तैयारी करते हैं आगे निकलने की। इसके बाद डेस्टिनेशन है ओरछा, और यहाँ से पहले झांसी, झांसी से ओरछा है 10-12 किलोमीटर दूर, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी ग्वालियर से रैप अप करने का समय है। मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था जयविलास पैलेस म्यूजियम देखने, तो वहाँ जाके पता चला कि 300 रुपये की टिकट है और अंदर जाके वीडियो भी नहीं बना सकते, तो मैं ये दोनों ही चीज़ें व्यर्थ होंगी, और टाइम भी इतना नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से सीधे निकलते हैं ओरछा के लिए, पहले झांसी और झांसी से ओरछा। ओरछा में मुझे एक ने रिकमेंड किया था, एक गोरी ने, कि उधर बड़ा अच्छा है, कि 2-4-6 दिन कितने भी दिन रुको मज़ा आएगा, मतलब सेम लाइक ऋषिकेश जैसा एक्सपीरियंस होगा। तो चलो वहाँ देखेंगे जाके क्या है। बाकी ग्वालियर की जैसे कुछ एक बातें हैं, कि एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लगी वो है कि आज भी हिंदी का वो स्वरूप यहाँ आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो हमारे वहाँ पर केवल किताबों में सिमट के रह गया है। तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब आपके आसपास लोग वो बोलते हैं, बातें करते हैं उस भाषा में, उस हिंदी में। और दूसरा, यहाँ आपको खाने के लिए पोहा हर जगह मिल जाएगा नाश्ते में। सुबह आप अपने होटल से निकलिए और हर जगह छोटी छोटी रेहड़ियाँ लेके वो लोग खड़े होते हैं पोहा बेचने, जैसे अपने उधर छोले भटूरे और पूरी सब्जी चलती है सुबह सुबह, उस तरीके से। और मेरी सुबह शुरू होती है जूस से और रात ख़त्म होती है दूध पे, तो जूस तो मुझे अब तक पूरी जर्नी में लगभग हर जगह मिला है सुबह, और आसपास ही मिल गया। और दूध का एक आध जगह थोड़ा गड़बड़ रहा, बाकी आगरा में भी पिया, यहाँ भी पिया है, यहाँ इतना अच्छा नहीं था आगरा के मुकाबले। और खाने पीने में तो मोस्टली सस्ते ऑप्शंस हर जगह उपलब्ध होते ही हैं ट्रैवलर्स के लिए, तो खाने में रहने में ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ, रहने में एक चक्कर ज़रूर है कि अभी ट्रैवलर स्पेसिफिक, मतलब जैसे अपने जैसे सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके हिसाब से प्रॉपर्टीज बहुत लिमिटेड हैं, बड़े कम ऑप्शंस हैं, और कम कहें कि ये कह सकते हैं कि हैं ही नहीं, कि सारे होटल्स वो हैं जो फैमिली ट्रैवल के लिए या उसके लिए लोग आते हैं, वो रुकते हैं इधर। चलिए मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर।